गाइस जो डेडलॉक्स होता है वो परमानेंट होता है कि नहीं होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जानने से पहले दोस्तों आपको कुछ बातें का नॉलेज होना जरूरी है, यानी कुछ बातें आपके समझना जरूरी है कि ये कैसे क्या पॉसिबल है। तो सबसे पहले गाइस जो डेडलॉक्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ओरिजिनल हेयर और एक्सटेंशन हेयर। ओरिजिनल हेयर तो आपको हमारे बाल होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, और जो एक्सटेंशन होते हैं किसी और के बाल होते हैं वो हमारे इसमें बॉन्डिंग करते हैं। तो डेड्स होती है गाइस, तो उसमें क्या होता है, एक डेड्स बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे को बाल लेना पड़ता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, और उसको दबा दबा के उसमें लॉक्स लगा लगा के हमारे को वो एक डेड्स बनती है। और ओरिजिनल बालों में क्या होता है गाइस, जो हमारे जो बाल होते हैं उसी को ही हमारे को नेट कॉमिंग या बैक कॉमिंग करके, जैसे कि मैं दो मेथड यूज़ करता हूँ, नेट कॉमिंग और बैक कॉमिंग ओरिजिनल बालों पे डेड्स बनाने के लिए। तो उसमें क्या होता है, एक्सटेंशन डेड्स जो होते हैं उसमें आप चाहे तो अपने मर्जी के अनुसार उसका मोटा पा, जिसको हम डायमीटर कहते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं उसमें क्वांटिटी डाल के। जो एक्सटेंशन जो करते हैं वो परमानेंटली नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि जो हमारे बाल जो बढ़ते हैं तो जड़ से तो वो डेडलॉक्स यानी जो डेड्स उसमें लॉक्स तो लगा के ऑटोमेटिक तो बढ़ेंगे नहीं, उसमें क्या होता है 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद नीचे में लॉक्स लगाना पड़ता है, इसलिए वो चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। अगर आप ओरिजिनल बालों पे भी डेड्स बनवाते हो तो गाइस जो बाल तो जो बढ़ेंगे आपके वाले वो नॉर्मली बढ़ेंगे, वो तो डेडलॉक्स बन के उसको नीचे में लॉक्स तो लगाते हुए ऑटोमेटिक तो नहीं आएगा गाइस, उसको सर्विसिंग देना पड़ेगा हमारे को। तो जो बाल बड़े हैं उसको 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद हमको नीचे में लॉक्स लगाते हुए ही उसको उसकी जो लेंथ है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप इस बातों से समझ ही जाओगे गाइस कि जो डेडलॉक्स होते हैं वो परमानेंट बिल्कुल भी नहीं होते। अब बात करते गाइस हमारे जो डेडलॉक्स होते हैं वो रिपेयर हो सकते कि नहीं सकते। तो गाइस समझने वाली ये बात है, जो सिंथेटिक होते हैं उसको अगर आप स्पा करोगे या वो शैम्पू से धोगे या कंडीशनर से धोगे तो वो लॉक्स निकलने वाले नहीं है, क्योंकि उसमें इतने सारे लॉक्स लगे रहते कि आप जितना निकालने की कोशिश करेंगे उतने बाल वो टूटेंगे, और एक समय ऐसे आएगा गाइस जो हमने कनेक्ट किया था जड़ से उखड़ जाएगा। जो एक्सटेंशन किए हुए होते हैं उसमें तो हम रिपेयर नहीं कर सकते, जो पहले के पोजीशन में जो बालों का बंच से हमने जो लॉक्स लगाए थे डेड्स बनाने के लिए, तो वो तो पहले के पोजीशन में नहीं आएंगे। मगर जो ओरिजिनल बालों पे जो डेड्स बनाए हमने उसको अगर 2-3 बार स्पा करोगे या शैम्पू कंडीशनर से अच्छे धोगे तो होगा क्या, लॉक्स तो निकल जाएंगे, ठीक है, लॉक्स तो निकल जाएंगे, मगर उसका डिसएडवांटेज ये है गाइस जब जितने लॉक्स ओपन होंगे उतने क्वांटिटी पे 1-2-3 ऐसे जो बाल होते हैं वो टूटेंगे, और गाइस जैसे पहले पोजीशन में थे वैसे तो आएंगे ही आपके बाल, मगर जो क्वांटिटी आपके बालों की पहले की थी उतनी क्वांटिटी नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें से क्या होगा गाइस, उसमें से 10 या 20% जो बाल आपके लॉक्स में लगाने के काम आए थे वो टूट जाएंगे। तो यही होता है गाइस, सिंपली गाइस जो ओरिजिनल जो बाल डेडलॉक बनाते हैं उसको रिपेयर कर सकते हैं मगर उसको पहले की पोजीशन में नहीं ला सकते। मगर और गाइस जो एक्सटेंशन डेडलॉक जो बनाते हैं उसको पहले की पोजीशन में ला बिल्कुल नहीं सकते, और आपने डेडलॉक एक्सटेंशन किए हो तो ये दिमाग में भी लाना नहीं कि हमारे को ये पहले के पोजीशन में लाना है या हम लॉक्स निकाल के उसको लंबे कर सकते हैं, नॉर्मली बाल रख सकते हैं, ऐसी कुछ होता नहीं गाइस, उसको डायरेक्ट कट ही कर देना पड़ता है। तो गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस, आपको ये अगर वीडियो पसंद आया होगा गाइस तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपके पास आती रहे। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।